चिंता नगर कोई बात नहीं है साहब, बहुत भला आदिम छन। उन्हें ये कमरे दी रही मैं तेमले ये है वो और मैं अल्लाह साहब इन दबा घर के और वो घर सारा छोड़ बे आ रही मेरी रिशा मारी तू रो तू खाक बे आ रही हूं वो सारे खा गेल बुला दिन की करूं फिर अरे की जून में अरे मी है के न चाहे निया साहब बहुत बड़ी सनी जा या साहब भला ले सुना मैं अल्लाह साहब इन दबा बात करूं ना उन्हें दबा बात करूं और के नहीं के उन्हें कोला बेमान
इजा दे बुकी भ चीजा भ इजा भ उइने जको मटा जाइने उ यहाँ मुखाने देखने में आप लकत चाहिए न चाह चाह अरे तो फेरी दे है कान पटान बेर परेशान है क्यों मैं परेशान कशी मिल गई है तो मैं की जानू तो यहाँ मिल सका बेर मैं तो यहाँ बड़ी फेरी ने फेरी ने कहाँ कहाँ बड़ी धो 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 इल्ला आई हूँ कहाँ सन भाई यहाँ मैं जनन घर में रोना है मैं बढ़िया सन बढ़िया सन अल्लाह थोड़ी देर में बात करूँ मैं अल्लाह हूँ है पाप यार पे सन ना हूँ मैं अल्लाह हूँ उन्हें दें कौन ये बात मिल जाए क्या मैं तो कथा कथा भटकने चाहिए कहानी चाहिए मैं तो नगा अंदर तो अरे तू कोई बात ना अब ये तो तू मैं यार अबे क्या करूँ जमीन ज़्यादा शरे प्रॉपर्टी बेच हाँ वो बोले कितना खुदा शरे बिना देकर जा बेरु अच्छा तेरे बात ही ना इसे ना चलो समस्या बहुत फूल जी तो अब वो रात दिन अगर तेजी शराब खाना जब मैं थोड़ी देर में साबिन दा हूँ ये बात के नहीं के समाधान हूँ करिए आला और ना पढ़ो ली जा है मतलब थोड़ी देर में उन्हें बुला लियो बस ठीक चुका ठीक है ठीक चुका ठीक या जा क्यों खुनान तो तो हर जब खता तो लार प्यार कंची तो इज्जत भरम कंची मेर का यहाँ गलती है कि जो मिल के उन्हें तो तू ठुकरिया तो तू परेशान कर बे धरो जश परेशान करो मिल में का लेबर बना बे धरो घर में झाड़ू लगवा पोछा लगवा बर्तन मलान कपड़ो धुलान मेर का यहाँ गलती है कि जाए मैं आज बड़ी तोड़ने करो हाँ आगे जी तू बेटे दिगर भेट अम्मा ऐसे काहे करती हो गलती तो हमसे है कि जो हम वो घर छोड़ के आए गए तुम लोगों के छोड़ के आए गए जले हूँ मैं आज बड़ी तू इज्जतदार तू संस्कार है तू घर में मतलब इसके हर चीज सामान दे है मन का तू मेरे यहाँ जोले है आप गलती है मैं आज बड़ी तोने करूँ जा मत बोलो तुम हमारी अम्मा हो ठीक छो जा ठीक छो ना आज बड़ी नहीं करूँ नहीं हो जा तो प्रेम भावना बड़ी करूँ अम्मा चलो यो आ गया निजा साहब आ गया अरे निजा आ गया इस बात सुने है इस बात सुनिए यार बेटा बैठो साहब बैठो हां सब ठीक बढ़िया तो यार साहब ये सुन जस दाजी मिल तमिल बता ना पहले हमें निकाली और अब ये इस बाबन ने घर है खेत आउने तो आप क्या करी जाओ तश्मा मेरी के समझ में नहीं आ आप मैं तो ये कोणियों इनन दे ये रहो गए अब के मेरे के समझ में नहीं आई मैं दिक्कत में देख एक मिनट एक काम करूं ना हां जब आदमी बिगड़ जाने हां तो वो सुधारने के केन के उपाय तो हुई है अब थोड़ा सोच लूं कि कस का समस्या समाधान हो ना है एक मिनट है कि ऐसा का समाधान एक काम कर लूं हां ट्राई करके देख ले लूं है आप तो नहीं करो घर जाबे यो को हां कि ठीक से हमला हिस्सा कर दिनु अपनी खर्चे तू मी अपनी हिस्से जमीन वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम का दान दी दी अरे दान में दी दी गौर सुनिया मेरे बाबू और हम मी अपनी जाए अपने बाबू और मेरे परिवार वृद्धा आश्रम में दान दियो ना हम वृद्धा आश्रम में लिया अपने दिन काट दियो ठीक एक बार क्यों उन्हें बिल्कुल उन्होंने लागल की यार अब शायद हम दूर हो जाए कटकल लगने भी हर का कि पद पलटी जाओ अगर नहीं पलटाल फिर आज दूसरे उपाय सोचो बिल्कुल बिल्कुल सही बात एक बार ट्राई करने में क्या है ठीक है ठीक ठीक तो चिंता न करो आज ये रहो आराम में चला अगर जरूरत पड़ी मिले आज उन कोई दिक्कत नहीं ना है ठीक है तमिल आला पे बिल्कुल टाइम जरूर है आज ला जरूर वो तो मैं माने के बैठे रहो और एक योजना आज जो बनने पर मैं तुम्हारी जमीन खरीदना बहाने लूं होय होय ठीक होना है मैं कार्ड बन भी हूं और तुम बोला ग्राहक आ गया जो प्रकाश ने वाजन इन दान दिन से ग्राहक राखी ने अच्छा दान दे दियो इन इस वहां मैनेजर यश को अच्छा अच्छा है यश वाले भाई बस ठीक है हां तो ये सही है हां वो के कनो जा ठीक है तो से कनो पे तो नरे मात्र जरूरी नहीं जान पड़ो या कि सो समझ आदि सुना में सन वो नरे अमन मारे ले जा तेरे मारो लो अरे वो सब है जाते हम चिंता न करो ने यस करो एल इजा बाबू भूला रे खान 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 दिलाओ फिर जनवा ठीक से ठीक बिल्कुल बिल्कुल शायद ने जो बात करी ना बिल्कुल सही बात करी दाजी को मैं ले जनू दाजू जो छन वहाँ वृद्धा आश्रम जो आश्रम होने उनर फुल शायद बढ़ गया अभी उन्होंने और तब की पत्ते पिघल जाओ वो इतना वो शाजे जी वो शाजे नदी वो सुनिया ना चलो तो हिटो पे वहाँ खाना खान हिटो हिटो अरे बात सुन 50 जगह नहीं मिली
एक किलो नहीं होना कि तुम इन चार जमीन लेनो। अरे छोड़ो यार बबाल, मैं तो गजबे परेशान है क्यों घर का काम बटी खाली जो भेजो सास में घर बटी। अरे जय पाले जाने की बोलो इतने माँ बाप का सन सयान घर का सन ये बात होने आप कश भेजो जमीन के लिए बहुत परेशान है क्यों अब यश कर लूँ बड़ी परेशानी है यार यार ये गलत कर रहा हूँ माँ बाप का झगड़ा कर रहा हूँ गोम बंदा मिले गया। अरे आओ ये ईजा यो चाहो यो कशके बहरानी ये छनी है और यो इन्हन जो छन अगर ये जमीन अगर चाहिए इन्हन दी दियो इतको बोझी अगर तमीन अगर जमीन चाहिए ना बस तम जो छन तम ले लियो और जो जो मिल कर रखी वृद्धाश्रम में दियो उनका जमीन थोड़ी देर में साहब होनी सन और वो साहबन का हम सब दी दियो बस और के ने हम के ने जाने और ये बहुत छन हमारा आपका हिस्सा अलग अलग होगा जो अमीन वो कर रखी ना आपने लिखा है ये जमीन एक बात और भी है ना जैसे वृद्धाश्रम को आप जगह दे रहे हैं तो कल आप अगर कोई दिक्कत हो तो आप उस आश्रम में रह भी सकते हैं ना इससे ना हम वो वृद्धाश्रम में जहाँ हम जाग दी उन रह ली हमारे पूरी परिवार ये अलग कर दिया यहाँ कोई बात तो ठीक है साहब आपका ये स्टाम्प बन चुका है तो एक बार मेरे को जगह दिखा दो ये वाली है ना है यो पूरी छिपार वहाँ तक वो ठीक हो गया तो मैं आप ऑफिस में आप आ जाना है शायन पापा के साइन लेके मैं अभी आपको स्टाम्प देता हूँ ठीक है मैं साइन करना है ठीक आप ऑफिस में आपने दिखाई है साहब ठीक ठीक ओके दो जो आप क्या करना पे जानो हाँ हाँ गलती है क्या बहुत ज्यादा गलती है तुम तो काम नहीं करते बोला दिन देखो यार इस बात ने होना चाहिए ना हम एक परिवार था और तुम तो सुनी भी आज में कभी नहीं करो ना कभी नहीं हमारे ये परिवार आज दोबारा एक है और बहुत बहुत धन्यवाद ये दोबारा हमारे मंगल सिंह जी यो पूरा परिवार आज एक लगा है तमिल बहुत बहुत धन्यवाद जीवन दानी यूट्यूब चैनल में यो एपिसोड कैसे लगी तमिल कमेंट में जरूरी बता दिया और शेयर कर दिया लाइक कर दिया सब्सक्राइब तो हम करना भी है बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार पहला पहला